नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी आटा केक, बिना कंडेंस मिल्क के, बिना अंडे के, और आज हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। इसमें एक कटोरी नमक डालेंगे, उसे फैला देंगे। एक स्टैंड रखेंगे इसमें और अब इसे एक गहरे बर्तन से ढकेंगे। गहरे बर्तन से ही ढकना है क्योंकि केक फूलता है हमेशा। अब हम एक मोल्ड लेंगे, 6 इंच मोल्ड लिया है हमने यहाँ पे। इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे, आप घी से या बटर से भी कर सकते हैं, और आटे से इसे डस्ट करेंगे। आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब एक बोल में 1/4 कप दही, 1/4 कप घी, बटर या ऑयल भी ले सकते हैं, वो भी मेल्टेड होना चाहिए। मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ। 1/2 कप प्लस 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी लेंगे। इन तीनों चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें लम्स ना रहें, और इसका 2 से 3 मिनट के बाद टेक्सचर बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाएगा। दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट को मिलाएंगे। यहाँ पर हमने 1 कप आटा लिया है, इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिलाकर अच्छे से छानेंगे। छानने से ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। ड्राई इंग्रेडिएंट को अब हम दही वाले मिक्सचर में मिक्स करेंगे। 2-2, 3-3 चम्मच करके ही मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने 1/2 कप दूध लिया है, उस दूध को थोड़ा थोड़ा कर केक बैटर में डालेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा कर हमें 1/2 कप दूध पूरा डालना है केक बैटर में और मिक्स करते जाना है। ये आटा है तो थोड़ा इसमें दूध ज़्यादा लग सकता है। इसमें टूटी फ्रूटी मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने 1/4 कप टूटी फ्रूटी लिया है, इसको आटे से कोट करेंगे। 1/2 टीस्पून आटा लिया है, अगर इसको कोट नहीं करेंगे तो यह केक में नीचे बैठ जाएगी और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, इसलिए ज़रूरी है इसे आटे से कोट करना। अब इसे केक बैटर में मिक्स करेंगे। अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि केक बैटर गाढ़ा हो गया है तो आपकी ज़रूरत के अनुसार आप यहाँ पर दूध डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डाल रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। अभी 3 टीस्पून मैंने यहाँ पर दूध डाला है।
यहाँ पर मैंने पूरा 7 टीस्पून दूध डाला है। केक बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, गिरता हुआ होना चाहिए केक बैटर। अब हम केक बैटर को मोल्ड में डालेंगे। और इसे अच्छे से एक दो बार टैप कर देंगे ताकि इसके एयर बबल निकल जाए। अब इस पर ऊपर से थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालेंगे। और इसे बेक होने के लिए कढ़ाई में रखेंगे। थोड़ा सावधानी से रखें कढ़ाई में और इसे 50 से 60 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक होने के लिए रख दें। 60 मिनट हो गए हैं, अब केक को चेक करते हैं। केक बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है और अब हम इसे टूथपिक की मदद से चेक करेंगे कि अंदर तक पका है या नहीं। ऊपर से ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। एक टूथपिक इसमें डालेंगे। अगर टूथपिक पूरी क्लीन निकलती है तो केक हमारा अच्छे से अंदर तक पक गया है। टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है, इसका मतलब है केक अच्छे से पक गया है। अब गैस को बंद करेंगे और केक को कढ़ाई में से निकालेंगे। केक को गरम गरम डीमोल्ड नहीं करना है, इसे 1 घंटा ठंडा करेंगे उसके बाद डीमोल्ड करेंगे, नहीं तो इसके टूटने का डर रहता है। 1 घंटा हो गया है, केक अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इस केक को एक प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है, ऊपर से भी बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है और हम देख रहे हैं चारों तरफ से अच्छे से बेक हो गया है। अगर आप इसे माइक्रोवेव में बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं। 180 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड पर प्रीहीट करें और 30 से 35 मिनट बेक करें। अब हम इसे काटेंगे। आप अगर इसे मैदा में बनाना चाहें तो आटे की जगह मैदा ले सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।